सो हाउ टू ड्राइव एन ऑटोमेटिक कार, आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। तो मैं आया हूँ अरुण पवार के माली के पोते के यहाँ गाड़ी रिव्यू करवाने। नया दिन नई सुबह। हाँ भाई, गाड़ी में ही निकल नहीं रहेगा चौधरी साहब गाड़ी में से। हमें इसमें एक वीडियो शूट करनी थी और ये हमने बाहर ही खड़ी कर दी थी। यहाँ हमारे यहाँ घर पे मिस्त्री भी लगे हुए, तो पूरे पे वो सीमेंट सा हो गया, गाड़ी पे सीमेंट गिर गया, मतलब रेता सा हो गया सारे में। तो अभी तो धुलवानी तो है नहीं, अभी बस जाके सीधा वीडियो बनाएंगे ऐसे ही जैसी है ऐसी में। ओ, हर्ष के घर जा रहा। वैसे तो उसको मैं हिमाचल नोएडा देख देख के थक लिया, पर क्या ही करे भाई, दोस्ती नहीं करी ज्यादा लोगों से हमने। पर तुम तो हो मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरी मम्मी भी यहीं खड़ी, तो क्या करें भाई, घर वाले देख रहे हैं कब गलती करे से गाड़ी को चलाते हुए। स्कूटी का नंबर प्लेट पे भी बीजे लिखी, सीरीज बीजे है। हमें भी वो बीजे मिलने के बहुत चांस है क्योंकि वही चल रही है हमारे शहर में फिलहाल। नहीं, हमें बीएल मिली। चला था तेरी गाड़ी वाले ही नंबर मिल जाए, पर वो निकल चुका। फिर कह रहा रैंडम लोग है कोई, मगर रैंडम ही दे दे यार, कहीं चौदह एक्सीडेंट हो गया तो भाग तो जाएंगे फट से बच के। बढ़िया थिंकिंग है। तेरे मोहल्ले वाले को 1 मिनट का भी उसाड़नी है या गाड़ी 4 बार आगे पीछे करवा ली। बलियान का मोहल्ला है, मोहल्ला तो किसी का भी नहीं, मोहल्ला तो उसका ही है, मंडियों का बी की जगह आर करती हो। तो ऑटोमेटिक गाड़ी का ये फायदा है कि अभी देखो मैं व्लॉग करते करते बिना हाथ लगाए भी अंदर कर दूंगा। पैर तो एक लगेगा ही, हाथ भी एक ही लगेगा। तो इस गाड़ी को ठाकुर भी चला सकता था, लेकिन उस टाइम पे आई नहीं थी यार ऑटोमेटिक गाड़ी। गब्बर ने कंपनी नहीं खुलन दी थी गाँव में ऐसी। ये देखो कलर भी अपोजिट ही लिएगा, इसीलिए मैंने कहा कोई यूं भी ना कह दे सेम ही गाड़ी को छोटी करके चला रहे हो। अच्छा कोई ऐसा मिस्त्री है जो इसे काट के ऐसी बना दे। नाइसेस्ट स्नीज इन्वेस्टमेंट है। तो मैं आया हूँ अरुण पवार के माली के पोते के यहाँ गाड़ी रिव्यू करवाने। मैं अरुण पवार बन रहा आज, तू ओनरशिप एक्सपीरियंस जिसका मैरिज नहीं चौधरी। फिर तेरे पास वो क्यों नहीं है भाई मर्सिडीज? यही है भाई अपनी, कहना अपनी तो मारुति बढ़िया, दूसरे की रेंज में बैठ के टेंशन मारने से मैं भी आगे सुखी दिखाने गाड़ी का रिव्यू करने में मैं बहुत वो हो जाऊँ ओवर एक्साइटेड। तो गाइस ये है टाटा अल्ट्रोस व्हाइट पेट्रोल ऑटोमेटिक DCA और ये हमें पड़ी है एग्जैक्ट 11 लाख की, पूरे डॉट 11 लाख की पड़ी है। बस बाय, यही था गाड़ी रिव्यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टायर्स का डिफरेंस है इसमें, 16 इंची के टायर्स हैं और इसका स्पेयर व्हील है 14 इंची के हैं। तेरे डिक की तरह छोटा है। तो हाँ, इससे याद आया कि इसकी खिड़कियाँ 90 डिग्री खुलती हैं पूरी ऐसे। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि आपके हाथ फिर कानून वाले होने चाहिए अगर आप यहाँ से बंद करना चाह रहे हो, या फिर हाथ में वो पावर होनी चाहिए वो निकल के। वन गो में 90 डिग्री नहीं खुलते, ये एक जगह अटक जाते हैं जैसे तू खोले एक बार, यहाँ पे एक बार अटकेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे जैसे ओवर पावर्ड आदमी के हाथ सीधा यहाँ रुक गए हैं। तो भाई जूम क्यों कर रहा, रिक्वेस्ट सेंसर इसमें एक ही साइड आएगा, दो साइड नहीं लगवा सकते हैं, कटवा के ऑन करिए एक बार। ट्रक ही स्टार्ट हुआ, ये देखिए फोग लैंप के लिए है इसके, मिट्टी का हाथ लगा दी भाई। और इधर एक 7 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में स्क्रीन, ये भी 7 इंच की स्क्रीन है, हरमन का ऑडियो सिस्टम। और इसका गियर बॉक्स चेंज है डिजाइन भी, और यहाँ पे गियर बॉक्स दिखा दे रहा हूँ मैं, ये रहा पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और इधर मैनुअल, अगर किसी का हाथ जब भी मान नहीं रहा ना तो वो इसको प्लस माइनस करके चलाते हो। और ये DCT गियर बॉक्स है और इसके अंदर वो भी टेक्नोलॉजी है, कोई वेट टेक्नोलॉजी करके है उससे। हाँ ये इसमें यहाँ पे पूरी गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का दिया हुआ। इधर 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डिफॉगर। ए भाई स्क्रीन थोड़ी सी इम्प्रूव कर सके टाटा। मैं पहले ही सोच चुका था मगर यो हरमन पंजाबी आदमी का म्यूजिक सिस्टम है, किसी के रिश्तेदार होंगे टाटा वालों के उनका ही है, फिर तो हरमन जीत होता। और देख कॉपीराइट भी नहीं पड़ने का, साउंड डेमो दिखाने में इन्होंने अलग ही ऑप्शन दिया हुआ। म्यूजिक सिस्टम तो एक ही और यहाँ पे ये साइड मिरर एडजस्ट करने के लिए है, और एक साइड की ये इल्यूमिनेटेड है सिर्फ। वन टच ये डाउन तो है पर वन टच अप नहीं है, अप में हमें दबाए ही रखना पड़ेगा। ये क्रूज कंट्रोल का ऑफ करने के लिए ये स्क्रीन टॉगल करने के लिए, इसमें काफी डिटेल मिल जाए, ड्राइव मोड्स, कितनी पावर ले रही कार, टॉर्क वगैरह वो चेक करें कितना दिया इसने अब तक एवरेज पावर टॉर्क। एवरेज तो फिलहाल टेरेबल ही है, लेकिन अभी तो इतना ही का अंदर चल रही है ना अभी तो। और इसमें एक चीज हो रहा है, इसमें जो हैंड ब्रेक है ना वो पैसेंजर को लगाना हुआ है, वो ड्राइवर नहीं लगा सकता, क्या सेंस है, उस साइड देना चाहिए था यार। और वही सबसे मेन जो मुझे गजब चीज लगी, इसका ग्लव बॉक्स डीप ही है, दैट्स व्हाट शी सेड। और बाकी यूटिलिटी में अगर बात करें तो इधर ये स्लाइडेबल है, ये खोलियो, इसमें थोड़ा कम स्पेस है लेकिन चलेगा, और ये दारू के ग्लास रखने के लिए। लेकिन टाटा एक और भी तो दिक्कत कर रही, चाबी आजकल एक ही दे रही, चाबी एक ही दे रही, गलत बात है। ये कह रहे कि मतलब हर गाड़ी का ऑर्डर लगा हुआ, आपको 2-4 महीने में अवेलेबल हो जाएगी दूसरी। लेकिन ये तो थोड़ा सा छिनाल बना है भाई, ऑटो डिमिंग देनी चाहिए थी, पर चलो कोई नहीं। और ये इधर मिरर है थूथ देखने के लिए, बाहर निकलो खोल लो भाई।
चलो भैया वो ओटीपी वाला जो तो साथ में इसी वीडियो में फैमिली के सामने इसकी पन्नी उतार दो ना। वालियान डू द ऑनर्स, पन्नी उतारनी गाड़ी की। वालियान ने जिस जिस गाड़ी की पन्नी उतारी क्या ना शुभी रही कामयाब रही हो। उसकी भी तुमने उतारी थी ना किया की वालियान को पन्नी उतारने बुला रहे देश विदेश पता लगा वहां जा रहा क्वीन एलिजाबेथ के यहाँ जा रहा नहीं रोज रोज की पन्नी फाड़ने बहुत बढ़िया पन्नी फाड़े ये तो अगर क्वीन एलिजाबेथ स्विफ्ट डिजायर वीडीआई ड्राइव करती हो यार सीटें तो गजब भी है इसकी। तो हमने सीट का कवर भी इसलिए लिया था क्योंकि टॉप मॉडल में इसमें लेदर पता नहीं कैसी कैसी बता गए हुए लेदर फलाना टेमकाना सीट है तो मैंने कहा फिर हम क्यों ही लें सीट कवर। और इसमें नीचे ये 3D या 5D क्या है 3D मैट ये स्टॉक कंपनी के ही मैट है इन पे कहीं अल्ट्रोज लिख रहा होगा अभी लिख नहीं रहा कोई नहीं मुझे लगे वो है करोल बाग वाले। बाकी अगर इससे नीचे का कोई भी मॉडल लेंगे जो DCA नहीं होगा तो उसमें पीछे लिखा नहीं आता तो आप टाटा का कोई भी बेस मॉडल लेके भी आप कोठी बंगले वाली फीलिंग ले सको। शायद टाटा ने इसीलिए गाड़ी में मॉडल लिखने छोड़ दिए कि इन्फीरियरिटी वाला सीन हो जाना कि जो ले ले बेस मॉडल वो फिर बेचारे में सोचा है कि इतने पैसे भी लगा दिए समाज में मुझे पता फिर तो इसीलिए इन्होंने लिखना छोड़ दिया बस गाड़ी का नाम दिखेगा हैरियर सफारी जहाँ भी दिखेगा बस बेसिकली बहस करनी आनी चाहिए वो है पर हमने सामान हटवा दिया। इसमें मैं अपने कपड़े भी रख सकूं इतने कपड़े हैं मेरे पास चारों डोर पॉकेट्स में आ जाएंगे। ये इसका सीट कवर भी है ये है 3,351 रुपए सीट कवर कंपनी तो सारी चीजें इतनी महंगी रखते हैं। अच्छा इसके साथ डस्ट फ्री वो भी है पड़ा ब्रश सभी दे रखा इसमें लिखा अच्छा जब पर दिया नहीं साड़ो ने रखा है पर दिया नहीं जो मैंने भी ध्यान नहीं करा वो ये 6 लाख का स्कैम हो गया मेरे साथ 53 रुपए का स्कैम हो गया मेरे साथ। और ये भी एक्सेसरी हमने लगवाई थी ऑस्ट्रेलिया वाली मकड़ी वो गर्मी इसमें लगेगा ना। तो ये है भाई 1.2 लीटर का सिंपल इंजन टर्बो नहीं है टाटा का हाथ थोड़ा तंग है पेट्रोल इंजन बनाने में डीजल इंजन ज्यादा अच्छे बना हुए हैं पर ये फिर भी अच्छा है काफी। रतन टाटा जी अच्छे मैकेनिक नहीं क्या 3 सिलेंडर इंजन है सुन ये बैटर अपने घर रखवा लेंगे टीवी चलाएगा रात को जो ट्रैक्टर वाले से देखे हैं। तो ये लेने का रीजन ये था कि अगर आपको SUV सेगमेंट में नहीं जाना और आपको लोकल के लिए या आपको हैचबैक गाड़ी लेनी और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है अगर बिल्कुल कोई खराबी ड्राइवर और जो रोज टैटू बनवाता हो तो इसकी 5-star रेटिंग है सेफ्टी वाइज तो ये इसीलिए ली हमने। और अब तक तो खैर मैंने एक दिन चला के देखी तो मुझे तो बढ़िया लगी मजा आ रहा है इस टाइम ये ली भी इसलिए हमने ऑटोमेटिक की कुछ तो नया हो अगर इसमें भी गियर बॉक्स ले लेते तो वो सेम सेल्टोस वाला फील हो जाता मतलब घर वाले थोड़े ज्यादा खुश नहीं है घर में पापा ही चलाएं मेरी गाड़ी तो वो ज्यादा खुश नहीं है। दीदी देखेंगे तो यहाँ से तुम्हारी दादी नेटवर्क पकड़े तुम्हारी दादी का रेडियो चले छोटा लग से ऐप डाउनलोड कर रहा कल यो वाली कह रहा टाटा की गाड़ी की एक ऐप आवा है यहाँ कहीं लिख रहा होगा ये वाला स्टिकर लग रहा है ये ऐप मगर ऐप नहीं है वो स्लोगन है मोदी जी ने दिया जो इंडियन ऐप मतलब इंडियन स्टार्टअप को। तो इससे क्या मैसेज मिला कि अपने स्कूल में ध्यान से पढ़ो वरना छोटे की तरह किसी भी चीज को। और एक इस कलर का मजा ये है कि ये जो डुअल टोन दे रखी है ना व्हाइट पे ब्लैक तो वही क्या होगा व्हाइट पे ब्लैक दे रखी तो बढ़िया है मतलब इसकी छत काली है छत काली है पर मन साफ होना चाहिए मन अगर काला है तो दिक्कत है छत तो काली ठीक है लेकिन गाड़ी के मालिक का मन साफ होना चाहिए चलाते हुए। और अगर गाड़ी के गेट में कोई दिक्कत होगी तो हमारे पास दूसरे दरवाजे हैं ये वाला अगर गाड़ी में लगा के चल और गाड़ी में चढ़ने के लिए कहा जा रहा है निकाल ले गाड़ी अब गाड़ी निकाल के अब मैं बताऊंगा कि लर्न हाउ टू ड्राइव एन ऑटोमेटिक कार इन 2 मिनट डिग्गी ग्रैंड ले रही हो भी मतलब छुट्टी में यूं ही करके जा सके हम तो स्किप कर दूं वो वाला पार्ट मैं तो सही हूं गया तू स्किप टू द गुड पार्ट लो करिए सो हाउ टू ड्राइव एन ऑटोमेटिक कार आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। सबसे पहले ब्रेक दबा के ड्राइव मोड पे गाड़ी लें उसके बाद ब्रेक छोड़ दें रेस दबाएं एंड हियर वी गो। अब इसमें बहुत लोगों को नहीं पता होगा मतलब जो जब तक मैंने भी ऑटोमेटिक नहीं चलाई थी ना तो मतलब बहुत बड़ी मिथ है कि शायद जब हम रेस में दबाते तो गाड़ी चलती नहीं बट ऐसा नहीं है अगर आप जैसे ब्रेक दबाओगे तो ठीक है बट जैसे ही आप जैसे मैंने दबा रखा ना अब जैसे ही ब्रेक छोड़ दोगे वापस चल पड़ेगी सिर्फ पार्किंग मोड में नहीं चलती गाड़ी अगर ड्राइव मोड पे है तो ब्रेक छोड़ते गाड़ी चल जाएगी आगे भी और रिवर्स में भी। तो जैसे मैंने अभी ये कोचिंग दी मैंने 5,000 रुपए मिनट के हिसाब से ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव करने की तो मैं मेरे स्टूडेंट बैठे हैं पीछे दिखा दो जरा इनकी शक्ल दिखा दो बग्गे सिंह बालियान इन्हें मैं चाहूंगा कि एक बार गाड़ी ड्राइव करें और दिखाएं कि जो गुरु ने अभी शिक्षा दी है वो कितनी सही थी कितनी नहीं और गुरु दक्षिणा में लूंगा मैं इनकी गर्लफ्रेंड तो फिर तो फ्री में ही सिखानी पड़ेगी इनविजिबली है ना। और बालियान पे गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती बिल्कुल नहीं आती आज तक इसने चलाई नहीं गाड़ी ये स्कूटी तक नहीं चलाता ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बाइक चलाता है और ये वापस वही जगह है जहाँ पे हमने पहली वीडियो शूट करी थी। अरे लक्ष्य भाई कितना दिन ऑस्ट्रेलिया में जियोगे आ जा बग्गे तो तू पीछे से रिकॉर्ड कर रहा नहीं यहीं से कर लूंगा तो बस बग्गा चला लगा मैं अपना बाहर से जज कर लूंगा मैं बोनेट पे बैठ जाना तो आज हम एक्चुअली गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे हम
अल्ट्रोज का एयर बैग टेस्ट कर रहे हैं। तो बग्गी देख मैं बता रहा तुझे, लेफ्ट पैर की जरूरत नहीं है, लेफ्ट पैर को भूल जा, मान ले लंगड़ा तो एक्सेलरेटर है बड़े वाला ब्रेक है ठीक है, लेफ्ट पैर को भूल जा ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ही वो पैर अगर काम में ले आया तो एक्सीडेंट हो जाएगा तुरंत, कंफ्यूज हो जाएगा तुरंत, या तो ब्रेक ही दबता है या रेस दबती है। ब्रेक और रेस कभी किसी भी हाल में साथ में नहीं दबेगी, ऑटोमेटिक में तो दबेगी नहीं। जब आपको ये शिफ्ट करना होगा ना नॉर्मल गाड़ी में तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको ये दबा के शिफ्ट करना होगा। पी मतलब पार्क पार्किंग मोड में, आर मतलब रिवर्स, एन मतलब न्यूट्रल, डी मतलब ड्राइव। ये मैनुअल मोड है, इसका हमें कुछ नहीं करना, तो हमें ड्राइव मोड पे जाना है। जब भी मोड चेंज करेगा दबा के ही होगा, वो हल्का सा दबा, इसको ड्राइव मोड में लिया और अब ब्रेक छोड़ दे, हल्की हल्की चल पड़ेगी गाड़ी, बिल्कुल हल्की रेस। प्लीज पार्क ब्रेक, हैंड ब्रेक। नाइस, कैसी रही बता, टेंशन। मैनुअल कार नहीं चलती भाई, मैनुअल तो अब तक 10 बार बंद होती, पहले 20 बार बंद करता था। अब रुक जा, साइड में ले हल्की, साइड में ले, अब तुझे घुमानी है गाड़ी, और ब्रेक ले ले हल्का हल्का साइड साइड वाले मिरर में देख के। ब्रेक पे ही चला था, ब्रेक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्रेक पे घूम जाएगी पूरी, घूम गई। और जब भी मोड़ रहा हो ना तो हमेशा वो मिरर, ये मिरर और ये वाला मिरर तीनों चेक करो, सबसे ज्यादा साइड साइड ही लगेगा गाड़ी की। गाड़ी कभी भी सामने से जो ठोक देगा वो तो उससे बड़ा तो लद्दू हो ही नहीं, जो सामने सीधे टक्कर मार देगा किसी में। पैदल भी रेस लगा दे इस टाइम तो कोई गाड़ी से, पता लोग बाग भी स्कूटी सीख रहे, बग्गा गाड़ी सीख रहा, ये तो है नुको यार ने वक्त बदल दिया। ये है वंडर भाई ऑटोमेटिक का, जिस बंदे ने आज तक कार छुई नहीं थी भी ले जाएगा आराम से, देख के ही चलवा दी। क्यों दबाया और पार्क मोड में डाल लो। पार्क मोड में क्या हो कि गाड़ी ऑटो हैंड ब्रेक ले ले, न्यूट्रल में हैंड ब्रेक नहीं लेने की। अब मेरी बारी, सैनपाई की बारी तो भाई पता लगेगा। क्यों नहीं उठता पर अंकल ने, साइड वालों ने वीडियो रिकॉर्ड होती देख ली तब से यही है नहीं। क्लच पे गया था पैर अभी भाई, हार्डकोर मैनुअल ड्राइवर का तो जा भाई जावे आदमी को गियर चाह कहीं ना कहीं लगाने को, हमको जाना है ड्राइव मोड में ना। थोड़ी अब दिया जाएगा डीसीटी का रिव्यू, मैंने वो चलाई थी, एएमटी चलाई थी मैंने एक बार, और एएमटी में बहुत रबर बैंड वाली फील आ गई, ऐसे गियर चेंज हुआ। अब शिफ्ट हुआ पता भी नहीं लगा, बस गाड़ी के अंदर नहीं फील होता। सबसे बड़ी बात है ये रेव करने दे मोटर को, मैनुअल में हम जैसे रेव करके ओवरटेक कर लेना तो इसमें भी रेव कर सके। अबे भाई दूसरा पैर आ गया था, दूसरे पैर को तो कुछ पैर को ही क्लच दबा ले, कभी बंद ना हो जाए। आपने किया क्यों नहीं ली?